नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगा हवर्थिया की। हवर्थिया एक हार्डी सकुलेंट होता है जो कि इजीली नर्सरीज पे मिल भी जाता है और इसे हम इजीली ग्रो भी कर सकते हैं। हवर्थिया में काफ़ी सारी वैरायटियां पाई जाती हैं, लगभग 20 से ज़्यादा वैरायटियां इस प्लांट में पाई जाती हैं। सबसे कॉमन वाली वैरायटी है हवर्थिया ज़ेब्रा प्लांट, जो कि काफ़ी सुंदर है। हवर्थिया देखने में एक छोटे एलोए की तरह दिखता है और इसकी जो फॉर्मेशन है वो हमेशा ऐसी ही रहती है। इसके अलावा हवर्थिया लेमिफोलिया और हवर्थिया सेमीफॉर्मिस भी आप देख रहे हैं, ये भी काफ़ी सुंदर वैरायटियां हैं और इनमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। हवर्थिया को प्रोपोगेट किया जाता है इससे निकलने वाले ऑफसेट से, और इन ऑफसेट से बड़े ही जल्दी नए प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। हवर्थिया के ये दो नए प्लांट मैंने हाल ही में तैयार करे हैं, आप देख सकते हैं इनकी फॉर्मेशन कितनी सुंदर है। हवर्थिया का जो प्लांट मिच्योर हो जाता है उसमें नए ऑफसेट्स बनते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ एक मिच्योर प्लांट जिसमें अभी ऑफसेट्स बन रहे हैं, इन्हीं ऑफसेट से नए प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। हवर्थिया की जो फॉर्मेशन होती है वो हर मौसम में हर क्लाइमेट में ऐसी ही रहती है और बड़े ही इजीली ये प्लांट सर्वाइव कर जाता है हर तरह के क्लाइमेट को। हवर्थिया को जब भी ग्रो करें तो बेल्डेन सोइल में ही ग्रो करें। इसके लिए ज़्यादा बड़े या गहरे पॉट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका जो पॉट होता है या जो भी आप सोइल मिक्स तैयार कर रहे हैं उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर इसके पॉट में पानी रुकता है तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। बरसात के मौसम में भी इस प्लांट को बारिश में बाहर ना रखें, इसे किसी बरामदा में या सेमी सेड वाली जगह पर रखें। टेबल टॉप पे भी हम इस प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं, और सेल्फ्स पे भी हम इन प्लांट्स को रख सकते हैं। हवर्थिया को किसी तरह के स्पेशल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपली मिट्टी और रेत के मिक्स में आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। हवर्थिया ज़ेब्रा प्लांट ईजिली आपको किसी भी नर्सरी पर मिल जाएगा। इस प्लांट को आप सालों साल अपने गार्डन में रख सकते हैं, प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप भी इस प्लांट के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।